और अब 24 के रण में सियासी वार पलटवार की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की रैली में रोज हंगामा हो रहा है। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना लूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लड़के गलती करके दिखाएं, योगी जी छोड़ेंगे नहीं। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली का पानी रोकने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जरिए ये बड़ी साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। Z News.